आखिरी बार हतुज और हालिस इमोशनल हो गए थे। फिर लतीफ़ हतुज को शॉल लाकर देता है तो हतुज उसे पूछती है कैसे हो। लतीफ़ जवाब देता है, यानी वो उस वक्त से ही हालिस के साथ था और उसे जानता था। सूना को सायरा अपना रूम दिखाती है, जिसे देख के सूना की आंखें चौंधिया जाते हैं, पर सायरा को मायूस देख के उसे हौसला देती है। उसे यूसुफ के धमकी का पता चला तो वो कहती है मैं उसे कॉल करके सीधा करती हूँ, बोल के साइड में जाके यूसुफ को कॉल करने वाली थी कि फुआत निकल आता है और सूना के हाथ से फ़ोन गिर जाती है डर से। फुआत कहता है ठीक हो, तुम हमेशा कांपती हो, बाहर भी कांप रही थी। सूना हड़बड़ा के जवाब देती है और कुछ भी कहने लगती है तो फुआत को हंसी आती है और वो कहते हैं कि हमेशा ऐसे ही कांपती हो क्या तुम। सूना को भी हंसी आ जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। फुआत श्योरली उसे पसंद करने लगा है क्योंकि उसकी तरफ घूरता रह गया वो और मुस्कुराने लगा। फुआत कहता है तुम्हें देख के किसी को भी मुस्कुराने का दिल कर जाए, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे ऐसा लग गया था। सूना कहती है समझी नहीं मैं। फुआत कहते हैं तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। सूना नर्वस होकर भाग जाती है। सायरा से कहती है कि फरहाद का भाई आ गया इसलिए कॉल नहीं कर पाई यूसुफ़ को। इधर फरहाद छुट्टी पर है पर घर जाने का भी दिल नहीं है और पेलिन के पास भी जाने का दिल नहीं। यूं ही आबिदीन के साथ भटक रहा है। इधर इसमें और बाकी सब निकल जाते हैं। सूना को फुआत अलग से बाई कहता है। सायरा को यूसुफ फिर से धमकी देता है आने के लिए। वो निकलती है और गुलगुन बीच में आके पूछती है कहाँ जा रही हो। सायरा कहती है यूं ही पास में घूमने के लिए। गुलगुन भी बाकियों की तरह उसे अकेले बाहर जाने नहीं देना चाहती है तो सायरा कहती है आप जाएंगी साथ में। गुलगुन कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करती, तुम जाओ। वाह प्लान काम कर गया। सायरा बाहर निकलती है और गार्ड उससे पूछता है कि कहाँ जा रही है मैडम। सायरा कहती है पास में ही। गार्ड चुप सा हो जाता है। गार्ड भी जैसे इस बात से हैरान हो गया, इसलिए सायरा गुस्से में कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने गुलगुन जी से पूछ लिया है। गार्ड जाने देता है और आबिदीन को बता देता है कि सायरा बाहर निकली है। फरहाद भी सुनता है और गुस्से में कहता है उसका पीछा करो। फिर आबिदीन को घर की तरफ ले जाने कहता है। सायरा इधर यूसुफ से मिलती है और उसे डांटने लगती है। फिर से एक जैसी बातें करता है यूसुफ। सायरा उसका फ़ोन लेके सारी तस्वीरें डिलीट करती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। यूसुफ कहता है घर है या जेल तुम्हारा, देखो मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। इधर फरहत गाड़ी रोककर सायरा की ओर जाने लगता है गुस्से में। आबिदीन रोकता है पर वो उसको हटा के यूसुफ की तरफ जाने लगता है। यूसुफ भी आता है उसकी तरफ और दोनों में मारपीट होती है और सायरा रोकने लगती है। आबिदीन सायरा को रोककर रखता है। एक पॉइंट पे फरहत यूसुफ को गिरा के मारने लगता है तो सायरा आबिदीन को थप्पड़ मार के अपना हाथ छुड़ा लेती है और चिल्ला चिल्ला के फरहत को रोक लेती है मारने से। यूसुफ घायल हो गया है। फरहत उठकर देखता है कि सायरा उसके साथ जाती है या यूसुफ के साथ रुकती है। सायरा रुक जाती है वहाँ तो फरहत गुस्से में जाने लगता है। सायरा यूसुफ को उठाती है। यूसुफ कहता है अगर वो अकेला होता तो उसको मार देता मैं। तुम ठीक हो? सायरा कहती है तुम मुझे तकलीफ देते हो, यहाँ से जाओ, मुझे भूल जाओ, बोल के जाने लगती है। आबिदीन फरहत से कहता है कि वो आ रही है। फरहत आबिदीन से कहता है सायरा को घर ले जाना और खुद पैदल कहीं चला जाता है गुस्से में। सायरा आबिदीन से पूछती है तो आबिदीन कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। सायरा गाड़ी में जाने लगती है और फरहत को देखती रहती है। फरहत भी देखता है फिर गुस्से से मुंह फेर लेता है। इधर लतीफ़ हालिस को बता देता है कि उस दिन सायरा का एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आया था। फरहत घर पहुँचता है चलते चलते। सुल्तान उसको इस हाल में देख के खैरियत पूछती है एज इफ उसकी वाइफ हो तो वो उससे हाथ छुड़ा लेता है। इधर सायरा का डर से बुरा हाल हो गया है। फरहत आता है सर पे गुस्सा सवार, आंखों में हल्की आंसू सवार। सायरा कहती है ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम समझ रहे हो। फरहत कहते हैं अच्छा तो कुछ और भी है, बताओ क्या है। सायरा कहती है मुझे मजबूरी में उससे मिलना पड़ा। फरहत कहते हैं मैंने पूछा नहीं था कि वो धमकी दे रहा है कि नहीं, बोल के चिल्लाने लगता है। सायरा कहती है आखिरी बार हुआ है, अब कभी नहीं होगा। फरहत कहता है कैसे यकीन करूँ तुम पे, सायरा ये तुम्हारे डैड का घर नहीं है, तुम सायरा कोरहान हो, याद रखो, समझी। अरे बाप रे, देखा कौन लेक्चर दे रहा है, जिसके बारे में दुनिया जानती है कि हर लड़की से उसका नाता है और वो भी बदनामी वाला। टर्किश सीरियल में ना यही एक खामी है कि हमेशा लड़का जो मर्जी करता रहता है और लड़की कभी बुरी नहीं होती, पर फिर भी हीरो आके उसे खड़ी खोटी सुनाता है और वो डर जाती है। ऐसे ही सायरा उसके गुस्से से डर के मारे शौक में चली जाती है, कांपती है और अपना ब्लेजर कस के पकड़ लेती है डर से। फरहत को बड़ा मज़ा आ रहा होगा, कहता है देखो तुम्हारी वजह से मुझे क्या हो गया है। फिर लतीफ़ दरवाजे पे आता है तो फरहत अपनी आंखें पोंछ के सायरा को भी ठीक होने कहता है। सायरा बुत बन के खड़ी रह जाती है क्योंकि उसे अपने डैड के टॉर्चर की याद आ जाती है। तो फरहत उसको हिला के पूछता है ठीक हो ना। सायरा होश में आके कहती है ठीक हो और वॉशरूम चली जाती है। लतीफ़ आके कहते हैं हालिस सर ने बुलाया है। इधर सुल्तान आबिदीन से आके पूछता है फरहत को क्या हुआ है। आबिदीन कहते हैं तुम्हें क्या। सफ़ीका कहती है इसको तो हर चीज़ जाननी है। सुल्तान तब भी पूछती है कि क्या वो मुझसे नाराज़ है, मैंने कुछ कर दिया क्या, मुझसे ही गुस्सा लग रहा था वो। आबिदीन कहते हैं तुमसे क्यों गुस्सा होंगे, अजीब है, उसकी शादी का मसला होगा।
दिचले सुल्तान की तरफ शक की निगाहों से देखती है, यानी इतनी दिलचस्पी अपनी मम्मी में देख के उसे शक है। सुल्तान और कहती है कि कहीं वो लोग बाहर लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, सायरा तो घर पे थी। कार्लोस टूटी फूटी टर्किश में कहते हैं, नहीं वो बाहर गई थी। आबिदिन कहता है, अल्लाह अल्लाह, इसको भी तुम लोगों ने गॉसिपिंग सिखा दी, अब ये जबान बोलने लग गया। इधर हालिस इन दोनों को पूछते हैं कि सुना है सायरा का बॉयफ्रेंड आया था। फरहाद कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हालिस चिल्ला के कहते हैं, तो तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? फरहाद सायरा का हाथ पकड़ के कहते हैं, वो सायरा का स्कूल का दोस्त है, गुजर रहा था पास से तो मुबारकबाद करके गया। अगर बॉयफ्रेंड होता तो क्या मैं इसका हाथ पकड़ा होता? हालिस पूछता है सायरा से कि क्या यही बात है? सायरा सर नीचे करके डरते हुए कहती है, जो उसने कहा वही सच है। आंखें पोंछती है तो फरहाद कहता है, मैं पास हूँ तुम्हारे। हालिस कहता है, झूठ बहुत प्यारी चीज़ है, सब पसंद करते हैं झूठ को, पर अगर तुम्हारा शौहर इतना भरोसा करता है तुम पर तो मैं भी मान जाता हूँ। वो लोग बाहर जाते हैं तो फरहाद सायरा का हाथ झटक के छोड़ देता है। हालिस लतीफ़ से कहते हैं कि ऐसे किसी से मेरी बहू के बारे में कुछ भी सुन के मुझे मत बोला करो। फरहाद को सायरा थैंक्स बोलती है और फरहाद का शुगर लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। सायरा डर जाती है। फरहाद उसे दवाई लाने कहते हैं तो सायरा दवाई ढूंढने लगती है और उसे नहीं मिलती। फरहाद उसे आबिदिन को कॉल करने कहते हैं तो सायरा आबिदिन को कॉल करती है, पर आबिदिन कॉल नहीं सुन पाता। फरहाद सायरा को किसी और से कहने से मना करता है क्योंकि उसे किसी को खबर नहीं करनी इस बारे में, पता नहीं क्यों अजीब आदमी है। सायरा फिर से आबिदिन को कॉल करती है तो वो उठा लेता है, खबर सुनते ही भागने लगता है, पर हालिस उसे रोक लेता है। हालिस के पूछने पर कि क्यों भाग रहा है वो, आबिदिन कुछ नहीं बताता क्योंकि फरहाद ने कहने से मना किया है। हालिस उसे लेक्चर देने लगता है और आबिदिन नहीं निकल पाता। सायरा क्या करेगी समझ नहीं पाती तो वो फरहाद का हाथ पकड़ के उसके सीने पर सर रख देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। आबिदिन से हालिस कहता है, जो भी फरहाद छुपाएगा तुम लतीफ़ को बताओगे, अगर कभी भी झूठ में पकड़े गए तो निकाल दिए जाओगे। आबिदिन को हाँ करनी पड़ती है। फाइनली वो फरहाद के पास आके इंजेक्शन लगा देते हैं। जब फरहाद को होश आती है तो आबिदिन सायरा को भेज देता है। फरहाद आबिदिन से कहते हैं कि उसको थोड़ा डराने के लिए मैंने नाटक किया, जैसे कि मैं बहुत बीमार हूँ। हाँ मैं बीमार हूँ, पर इतना नहीं जितना दिखाया मैंने, वो भी थोड़ा मेरा ख्याल रखेगी वरना तो अकड़ती रहती है। वाह वाह। शाम को फरहाद जाने लगता है तो सायरा उसे रोकने लगती है, पर फरहाद एटीट्यूड दिखाने लगता है। सुल्तान डिनर देने के बहाने रूम में आकर कहती है कि उसे फरहाद से अकेले में बात करनी है। वो फरहाद को अकेले में कहती है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी मुदखलत पसंद नहीं, पर मैं तुम्हारा ख्याल रखे बिना नहीं रह पाती। हालिस ने तुम्हारे पीछे आदमी लगा के रखा है, तुम्हारे हर कदम पर नज़र रखेगा, तुम बाहर नहीं जा सकते। आह आह सुल्तान का प्यार देखो। फरहाद आके सायरा को ये सब बताता है, कहते अब खुश हो सायरा? सायरा उससे माफ़ी मांगती है और फरहाद कहता है, जाओ खाना खा लो। सायरा उसे प्यार से कहती है कि साथ में खा लेते हैं, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़। फरहाद के तो मज़े के दिन आ गए, मान जाता है। सायरा कह रही है भाई, फिर सायरा उसके लिए टेबल बनाती है तो वो राजा की तरह बैठ के मुस्कुराते हुए उसे देखता है, उसके लिए खिदमत करते हुए। सायरा उसे कहती है कि ये खा लो वो खा लो तो वो नखरे करता है, सायरा के कहने पर खा लेता है, फिर उसे पानी लाने कहते हैं। सायरा सीरियस होकर लाने जाती है और देखती है फरहाद को हंसते हुए, तो वो भी हंसने लगती है।